तो HPCA का स्टेडियम इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेडियम में गिना जाता है भाई लोग। ऐसा है कुछ धर्मशाला का स्टेडियम, ये देखिए इंडिया का मैप, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बारे में बता रहा था। तो ये आग सिंबलाइज करता है द एवर बर्निंग फ्लेम ऑफ नेशनल फ्रीडम। चुके हैं धर्मशाला के पहले अट्रैक्शन की ओर, HPCA का क्रिकेट स्टेडियम जो कि धर्मशाला में है, जो कि बहुत ही फेमस स्टेडियम है। तो इधर मैंने ट्रेडिशनल हिमाचल वाला टोपी भी पहन लिया जो मैंने कल खरीदा था उस अंकल से जिनका मैंने कल इंटरव्यू लिया था, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो ये टोपी हैंडमेड है तो मेरे को बढ़िया लगता है ये ऐसे टोपी। तो HPCA का स्टेडियम इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेडियम्स में गिना जाता है। तो चलिए अंदर जाते हैं और बता दो कितनी एंट्री फी वगैरह, कितना क्या सब क्या मामला है। तो और अभी टेम्परेचर शायद होंगे 8 degrees के अराउंड कुछ टेम्परेचर हैं, एंड जो मौसम है वो भी काफ़ी डिसेंट अच्छा है। ओवरकास्टेड वेदर है, धूप नहीं निकला, बट जो वेदर है वो ठीक ठाक सा है। तो चलिए चलते हैं HPCA क्रिकेट स्टेडियम की ओर। तो यह है हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का स्टेडियम, काफ़ी बड़ा है एक्चुअली, और ये मैं पहली बार एक स्टेडियम में जा रहा हूँ। कुछ स्टेडियम या फ्लड लाइट्स स्टेडियम का बाहर वाला हिस्सा, और इस रूट से एंट्री करना होगा। तो पिक्चर्स वगैरह भी क्लिक कर सकते हैं, हम लोगों ने अभी किया, और फिर हम चलते हैं आगे की तरफ जो ये इधर स्टेडियम का एंट्री वगैरह है। तो स्टेडियम में एंट्री लिखते हैं, स्टेडियम बहुत ही ब्यूटीफुल है। कुछ स्टेडियम और उस तरफ से है एंट्री भाई लोग, ऐसा है कुछ धर्मशाला का स्टेडियम, बेहतरीन स्टेडियम है इस तरह का है स्टेडियम। इधर किसी मैच के प्रैक्टिस वगैरह भी चल रहा है जैसे कि आप देख ही सकते हो। पिक्चर्स वगैरह क्लिक हो गई, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना अगर पिक्चर्स वगैरह देखनी हो तो, और अपडेट्स के लिए भी फॉलो कर सकते हो। तो अब जाने की बारी आ चुकी है और चलते हैं अगले साइट सीइंग की तरफ, अगले टूरिस्टिक प्लेस की तरफ। ये बढ़िया स्टेडियम था एक्चुअली, बहुत ही बढ़िया। गाइस अभी हम आ चुके हैं स्टेट वॉर मेमोरियल में। अब पता नहीं यहाँ पे शूट करना अलाउड है कि नहीं, मैं पूछ के आप लोगों को बताता हूँ। मतलब अगर शूट करना अलाउड है तो शूट करूँगा, वरना तो नहीं कर पाऊँगा। और यहाँ पे है हमारे कल्लल दादा, और यहाँ पे सोमनाथ दा भी हैं, ये BBM टूर्स एंड ट्रैवल्स से हैं, और इन लोगों ने हमने इन लोगों के साथ डोर्स वाला ट्रिप किया तो वो भी शानदार है। अभी हिमाचल वाला कर रहे हैं वो भी जबरदस्त चल रहा है, और यहाँ पे BBM टूर एंड ट्रैवल्स के और एक बापुन दवा। तो देखता हूँ अलाउड है कि नहीं, अगर अलाउड हुआ तो डेफिनेटली शूट करूँगा। खुशखबरी की बात यह है कि यहाँ पे शूट करना अलाउड है, तो फाइनली मैं शूट कर पाऊँगा कुछ अपने ये स्टेट वॉर मेमोरियल, और इधर अपने वीर शूरवीर जवानों की तस्वीर भी लगी है, कारगिल वॉर के कैप्टन विक्रम बत्रा, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, RFN संजय कुमार, और इधर इंडिया पाकिस्तान जो 1971 का वॉर है उसके भी परमवीर चक्र प्राप्त किए हैं जिन हमारे वीर शूरवीरों ने, उनके भी पिक्चर्स यहाँ पर लगे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है इन लोगों को ट्रिब्यूट देने का। तो ऐसा है कुछ स्टेट वॉर मेमोरियल। उधर इधर एक मेरे को बहुत बढ़िया चीज़ लगा, ये देखिए इंडिया का मैप, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ऐसा कुछ है ये स्टेट वॉर मेमोरियल। इधर बहुत सारे पिक्चर्स भी क्लिक किए जा रहे हैं, तो बेहतरीन है ये अपना स्टेट वॉर मेमोरियल। ये स्टेट वॉर मेमोरियल बहुत ही बढ़िया है, बेहतरीन है ये स्टेट वॉर मेमोरियल, बेहतरीन है, बहुत अच्छा चीज़ है, ऊपर देखने का भी है और पिक्चर्स वगैरह भी क्लिक कर सकते हैं। तो ऐसा है कुछ अपना स्टेट वॉर मेमोरियल हिमाचल प्रदेश धर्मशाला, और एक सामने इधर एक आर्क टाइप का भी बना हुआ है जहाँ पे आप पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो। एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं है कि वो क्या चीज़ है, बट मैं पता करके आप लोगों को बताता हूँ। बट जो भी है एक अलग ही फीलिंग देता है पैट्रियोटिज्म का। तो ये है स्टेट वॉर मेमोरियल कुछ इस तरह का, बेहतरीन, ये बेहतरीन है, बेहतरीन है ये पूरा वॉर मेमोरियल। हाँ, ये भी सब बेहतरीन है,
उधर ये भी देखा, स्टेडियम भी देखा, वो भी बेहतरीन है, वो इंटरनेशनल स्टेडियम बहुत अच्छा लग रहा है। और इधर भी बहुत अच्छा लग रहा है, इधर का नेचर भी बहुत अच्छा है। अभी ये सीजन का भी मस्त सीजन है, एकदम आने के लिए मस्त सीजन है। बारे में बता रहा था तो ये आग सिंबलाइज करता है द एवर बर्निंग फ्लेम ऑफ नेशनल फ्रीडम। और इधर एक बेहतरीन चीज है, व्हेन यू गो होम टेल देम ऑफ अस एंड से फॉर योर टुमारो वी गेव आवर टुडे। तो सलाम है हमारे सारे सूरवीरों को जिन्होंने अपने अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए अपनी जान दी और इस देश को इतना सुंदर बनाया, रहने लायक बनाया। तो ऐसा है कुछ अपना वॉर मेमोरियल, स्टेट वॉर मेमोरियल। एक बात है, जब आप वॉर मेमोरियल और ऐसी जगह पे आते हो ना, मैं मास्क ऊपर कर लूँ पहले, तो जब आप वॉर मेमोरियल और ऐसी जगह पे आते हो तो जो पेट्रियोटिज्म की फीलिंग है ना, वो अलग लेवल पे है। और तभी आप तब आप रियलाइज़ करते हो कि आपकी सुरक्षा के लिए, अपने मातृभूमि की सुरक्षा के लिए हमारे शूरवीरों ने कितने बलिदान दिया। और इस चीज़ का हमेशा रेस्पेक्ट करना चाहिए, अगर वो लोग नहीं होते तो हम यहाँ पे इतनी शांति से नहीं रह पाते। वो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं इसीलिए हम यहाँ पे खुश हैं। तो हमेशा अपने सोल्जर्स का रेस्पेक्ट करो, हमेशा अपने फ्रीडम फाइटर्स का रेस्पेक्ट करो और अपने कल्चर का रेस्पेक्ट करो और अपने मातृभूमि का रेस्पेक्ट करो। ये जो वॉर मेमोरियल बिल्ड किया है, बहुत ही शानदार बिल्ड किया है। और यहाँ पे जो बड़े बड़े जो पेड़ हैं, वो उस वजह से शायद जो टेम्परेचर है वो थोड़ा ठंडा रहता है इधर। और इधर मतलब जो व्यू है ना वो ज़बरदस्त है, जो फीलिंग है वो अलग लेवल का है। टोटल ऑन धर्मशाला में अभी तक का मेरा ये फेवरेट जगह है। और उधर एक शायद पार्क वगैरह भी है। तो ऐसा कुछ है पूरा स्टेट वॉर मेमोरियल धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30 और हम आ चुके हैं धर्मशाला से नीचे की तरफ। और अभी हम जा रहे हैं डलहौसी की तरफ और अभी हम रुके हैं कुछ लंच वगैरह करने, खाने। तो भाई धर्मशाला तो खैर ठीक ठाक सही था, ज़्यादा कुछ मतलब टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं था, बट जो अट्रैक्शन था वो तो माउंटेन्स था, वो व्यू था, वो ज़बरदस्त था। और डलहौसी में जो धर्मशाला से कम टेम्परेचर होता है डलहौसी में, तो देखते हैं कितना टेम्परेचर होता है। और मोस्ट प्रॉब्ली स्नोफॉल भी हो सकता है डलहौसी के पास वाले एरिया में, तो अगर किस्मत अच्छी रही तो स्नो का भी मज़ा हम ले पाएंगे और आपको भी दिखाया जाएगा। तो चलिए खाना खाते हैं, बहुत भूख लगा है भाई। अब लंच वगैरह हो गया, लंच में हमने खाया चिल्ली चिकन और फ्राइड राइस। मेरे को ये खा के वो हम बिंदु में डोज में बिंदु में खाए थे, वो आर्मी के उसमें आर्मी उस क्या कहते उसको आर्मी स्टेशन में या आर्मी कैंप में, तो वो मेरे को वो वाला सीन याद आ गया, बेहतरीन था वो भी। और ये खाना भी जस्ट अमेजिंग था। BBM टूर्स एंड ट्रैवल्स के खाने बड़े अच्छे होते हैं भाई। और अभी पीछे का नज़ारा कुछ वैसा है, उस तरफ है अपने अनुपम दादा, आ जाओ भाई। ये अपना अनुपम दादा, पिछली बार मास्क तो नहीं उतारा था, इस बार अच्छे से शक्ल देख लीजिए इस बंदे का। ऐसा है कुछ बाहर का, मतलब बाहर नहीं, ऐसा है कुछ पीछे का दृश्य। और अभी बज रहे हैं 4:21, शाम के 4:21। और अभी आए हैं अभी मतलब डलहौसी जा रहे हैं, तो उसी बीच में एक जगह है कठेट नाम का, अभी भी 56 किलोमीटर दूर है डलहौसी, तो कुछ 2.5 घंटे लगने वाले हैं। मे भी चाय वगैरह पियेंगे इधर, इधर एक दुकान है और यह व्यू। तो खैर देखते हैं अभी चाय वगैरह पियेंगे
फिर निकलते हैं, फिर आगे के 56 किलोमीटर कवर करेंगे, फिर डलहौसी जाएंगे। मे भी शाम हो जाएगी, कौन से बोलते रात हो जाएगी, एक्चुअली शाम तो खराब ही हो रही है तो रात हो जाएगा मे भी। तो चलिए अभी बज रहे हैं 6 शाम के 6 बजे, मैं दिख नहीं रहा हूँ क्योंकि पूरा अंधेरा हो गया है, और अभी भी हम जा रहे हैं डलहौसी की तरफ, शायद पहुँच गए हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। अभी एक है बनी खेत नामक जगह में, तो ये काफ़ी बढ़िया जगह लग रहा है मेरे को बाहर से, अभी दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, पर हम निकले थे करीब 2 बजे का राउंड, और अभी बज रहे हैं 6, तो 6 घंटे के करीब लग गए डलहौसी पहुँचने में धर्मशाला से। पता नहीं कब पहुँचेंगे फाइनली। चलिए बने रहिए व्लॉग के साथ। बज रहे हैं कुछ 9:30 बजे और यहाँ पे क्रिसमस पार्टी इज ऑन, सभी गाने वगैरह सुन रहे हैं और मज़ा कर रहे हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक करना, इस चैनल पे नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में डलहौसी के टूर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप ट्रैवलिंग, कीप एंजॉइंग योर लाइफ। बाय बाय।